स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो आप यूज भी करते हैं और आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, बट फिर भी मैं आज आपको एक नई प्रोसेस बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप टीचर हैं, ट्यूटर हैं, प्रोफेसर हैं या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आप हैं या किसी भी तरह के ऑफिस के अंदर अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, तो ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ये आपके बहुत काम आएगी। वो दो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कई बार पेपर सेट करने पड़ जाते हैं, क्वेश्चन सेट करने पड़ जाते हैं, कई बार हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सेट करने पड़ जाते हैं और उन्हें सेट करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और पेपर की जो फॉर्मेटिंग रहती है उसे करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, डेटा की जो फॉर्मेटिंग रहती है उसे हमें करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली मैं आपको एक ऐसे आसान तरीके से डेटा को फॉर्मेट करना बताऊंगा या डेटा को रीयूज करना बताऊंगा कि अगर आप फॉर्मेट को एक बार बना लेंगे तो आप किसी भी तरह के डेटा को उसके अंदर पुट अप कर सकते हैं, आप एक फॉर्मेट से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एमसीक्यूज की जो शीट है वो आप बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिए, उन्हें शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके इन वीडियोस को देखने के बाद। जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको कुछ फायदा हुआ है, तो दूसरों को भी ये फायदा पहुंचाइए और मेरे वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए कि वो आगे इन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक्सेल फाइल किस तरह से बनानी है और उस एक्सेल फाइल से ही हम हमारा जो क्विज है या हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे सेट कर सकते हैं वर्ड फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना है, आप एक फोल्डर के अंदर आ जाइए, वहां पर राइट क्लिक करिए और न्यू ऑप्शन के ऊपर जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट को क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सेल की वर्कशीट है ये क्रिएट हो गई है। अब आप इसको डबल क्लिक करिए, जैसा कि देख सकते हैं ये नॉर्मल हमारी एक्सेल की वर्कशीट है। यहाँ पे हमें तीन शीट दी हुई है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। अब आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के लिए आपको कैसे वर्क करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए कैसे वर्क करना है। तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम में मैंने क्या रखा, क्यू फॉर द क्वेश्चन सिंबल, दूसरे कॉलम में मैंने रखा सीरियल नंबर, तीसरे कॉलम में मैंने रखा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पे रखा है ऑप्शन वन, यहाँ पे मैंने रखा ऑप्शन टू, यहाँ पे मैंने रखा ऑप्शन थ्री और यहाँ पे मैंने रखा ऑप्शन फोर, ठीक है। इन ऑप्शंस को रखने से पहले मैं एक चीज और कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस के बीच में एक एक जो है वो गैप कर दी है कॉलम की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है, इतना मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे करके जो सीरीज है वो पूरी की पूरी फिल कर दी है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मैंने ये ए को भी यहाँ पे फिल कर दिया है, इन सारी चीजों को मैं फिल कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, तो बेसिकली मैंने ये आपको बताने के लिए जो है वो फिल कर दिया है। थोड़ा सा प्रॉपरली मुझे ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से मैंने इसे फिल कर दिया है, क्योंकि ये वन टू थ्री आगे कंटिन्यू करता जा रहा है, इसलिए मुझे इसको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं करेगा, ऐसे ही इन सबको मैं यहाँ पे फिल अप कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करा, मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं, दिस इज माय क्वेश्चन, ओके। ये मैंने क्वेश्चन को भी यहां पे लिख दिया है और मैंने इसे फिलअप कर दिया है। यहां पे मैंने ये जो क्यू सिंबल है इसे भी मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं जो है वो बोल्ड कर देता हूं ताकि ये मेरा हेडिंग डिफाइन हो जाए, ताकि ये जो है ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाए।
तो ये आपकी मान लीजिए एक्सेल शीट रेडी हो गई है आपके क्वेश्चन के साथ में और आपके ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, इतना कर दिया आपने, इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर दीजिए माय एमसीक्यूज, ठीक है। ये आपका जो एमसीक्यूज है वो रेडी हो गया है। तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो है एक वर्ड फाइल सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप वर्ड फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको एमएस वर्ड यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आप उसे यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसे आप सेव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक फॉर्मेट बनने वाला है किसी भी तरह के क्विज को बार बार जनरेट करने के लिए, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ माय फॉर्मेट, ओके। अब आपको क्या करना है, आप सभी ने मेल मर्ज का ऑप्शन शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो वर्ड के अंदर होता है मेलिंग्स मेन्यू के अंदर। तो हम मेलिंग्स के अंदर जाते हैं, तो मेलिंग्स मेन्यू के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को आपको क्लिक करना है आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, ठीक है। तो आपने जब ये करा तो यहाँ पे ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि उसने पूछा आपसे व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन, लेटर्स, ओके। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यूज अ करंट डॉक्यूमेंट, आपको ये जो नेक्स्ट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट आपने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करा हुआ है, तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वो जो एमसीक्यू वाली फाइल है उसे सिलेक्ट करना है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर देना है। ये इस तरह से आपसे शीट पूछेगा, तो क्योंकि अभी हमने सिर्फ शीट वन के ऊपर काम करा तो आपको शीट वन सिलेक्ट करके ओके करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी शीट का जो डेटा सोर्स है यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे जो सारा डेटा था वो आ गया है, तो आप ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, बस आपको इतना ही करना है। अब आपको जो स्टेप फॉलो करनी है वो आप ध्यान से देखिए, आपको इनसाइट पे जाना है, क्योंकि हमें फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बना के बताता हूँ जो बहुत ही ईजी है और आपको फटाफट से समझ में भी आ जाएगा। आप टेबल के ऊपर गए, यहाँ पे हमने दो कॉलम और चार रोज की जो टेबल है वो ले ली है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो के जो दोनों कॉलम है इनको सिलेक्ट करना है और मर्ज कर देना है, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसे भी आपको क्या करना है, इस तरह से मर्ज कर देना है, ये आपने मर्ज कर दिया है। आपको फर्स्ट जो मर्ज हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है और मेलिंग में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको उठाना है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने उठा लिया, फिर आपको यहां से उठाना है सीरियल नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको डॉट लगाना है और स्पेस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। ये तीन फील्ड आपने यहाँ से ले ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड आपकी है, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है ए और आपको स्पेस प्रेस करना है, फिर आपको लेना है ऑप्शन वन, फिर यहाँ आना है, यहाँ पे आपको लेना है बी, स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पे आपको लेना है ऑप्शन टू, फिर आपको करना है यहाँ पे सी, फिर स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पे करना है ऑप्शन थ्री, फिर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डी और डी के बाद स्पेस देना है और सिलेक्ट करना है ऑप्शन फोर, और लास्ट की जो रो है उसमें आपको सिलेक्ट करना है रूल्स के अंदर जाके नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इतना आपने कर लिया और इसे सेव कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको एक पेज पे जितने भी क्वेश्चन रखने हैं उतनी बार आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी ये मैंने सिलेक्ट करके कर लिया है और मैं इसे अब यहाँ नीचे पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से चाहें तो एक गैप भी कर दीजिए इसके बाद में, इस तरह से ये आपने क्या करा है, कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, और एक गैप आप इसके बाद और कर दीजिए। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए वापस से, इस तरह से आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे ऊपर आके स्पेस को डिलीट कर दीजिए, वापस नीचे आइए, फिर पेस्ट कर दीजिए, ऊपर जाइए, स्पेस को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इतना आपको करना है, आप देख सकते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट है पूरा जिसमें क्वेश्चंस इतने सारे आ गए हैं। आप पेज लेआउट में जाके इसका साइज सेट कर लीजिए A4 साइज, तो आपका जो पेपर है वो प्रॉपर बन जाएगा। यहाँ पे आपने ये कर लिया है,
यहाँ पे आके पेस्ट करा आपने और वापस एक बार लास्ट टाइम और जाके आपने डिलीट करा, तो आपका जो पूरा पेपर है ये सेट हो गया है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि लास्ट जो आपने लिखा है उसमें से आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड को हटा देना है, ठीक है? उसमें से आपको जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो हटा देना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट रिकॉर्ड का काम है ये एक ही पेज पे जितने क्वेश्चन आप सेट करना चाहते हैं उतनी बार आप नेक्स्ट लगाएंगे, ठीक है? इतना होने के बाद आपको मेलिंग पे जाना है और प्रीव्यू रिजल्ट करना है। तो आप ये देखेंगे, देखिए आपका ये जो पूरा टेस्ट है तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आप अगर चाहें तो इस टेबल का जो फॉर्मेटिंग है इसे हाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से नो बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये देखिए ये आपका पूरा जो है फॉर्मेटिंग हो गया। और आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम में आप जाएंगे, यहाँ से आप फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपने कर लिया है, ठीक है? ये जो बेसिक बेसिक चेंजेस हैं ये हमने यहाँ पे कर लिए हैं। आप चाहें तो इस फॉन्ट साइज को 12 रख सकते हैं, ठीक है? या 14 भी आप चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो आपकी जो पूरी शीट है ये रेडी हो जाएगी, देख सकते हैं ये जो शीट है ये रेडी हो गई है, ठीक है? जैसे ही आपने ये करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जितने क्वेश्चन थे आपके पेपर में वो सब यहाँ पे आ गए हैं। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसने जो है वो डबल स्पेस ले ली, क्योंकि हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड की भी स्पेस जो है वो काउंट कर ली थी, ठीक है? तो हम इसको सही करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डबल डबल स्पेसेस उसने ले ली हैं, हम इस चीज को सही कर सकते हैं। आप यहां से इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है? और वापस अपने ये जो फॉर्मेट है इस पे जाइए, यहाँ पे आप वापस से ये जो टेबल है इसे सिलेक्ट करिए, इसके जो बॉर्डर से इसको यहाँ से वापस शो कर दीजिए, वो जो सिंगल सिंगल स्पेस है इसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट रो, डिलीट रो, डिलीट रो, फिर से डिलीट रो, ऐसे करके आप क्या करिए यहाँ से जो रो है वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है? तो ये जो रोज है आपने सारी डिलीट कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं आपको जो पूरा फॉर्मेट है यहाँ पे एक पेज में आ गया है। तो ऊपर से जो हमने मार्जिन सही करी थी उसे हमने सही कर दिया है, ठीक है? इतना करने के बाद आपने सेव कर लिया है, मेलिंग में जाएंगे, फिनिश मर्ज पे जाएंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करेंगे और ऑल रिकॉर्ड पे सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये जो आपको पूरा पेपर है ये प्रॉपर सेट होकर आपके सामने आ गया है। बस ये है कि आपको ये जो बॉर्डर से हटानी है तो उसको आप क्लिक करिए, डिजाइन पे जाइए, यहाँ पे आइए और नो बॉर्डर कर दीजिए। तो देखिए जो आपका पूरा जो पेपर है ये सेट हो गया है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में सब एक ही बार में यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे इस तरह से। तो आपको फॉर्मेटिंग की कोई चिंता नहीं करनी है, इस तरह से आप जितने एमसीक्यूज चाहें उतने सेट कर सकते हैं एक ही बार में। सिर्फ एक्सेल पे आपको उसको बनाना है, फॉर्मेट आपका रेडी है, आप जितनी क्लास के लिए चाहें उतनी क्लास के लिए चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं अगर आपको दूसरे डेटा को यूज करना है सेम फॉर्मेट पे तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ से पहले ये जो फाइल आई है इसे आप सेव कर लीजिए, क्योंकि ये फाइनल फाइल है, इसे आप सेव कर लीजिए। इसे हम सेव करते हैं माय फाइनल पेपर, ठीक है? ये सेव हो गया है, फॉर्मेट आपका वैसा का वैसा ही है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो फाइल है ये अलग से सेव हो गई, ये देखिए ये फाइल ये अलग से सेव हो गई, ठीक है? अब इसका उससे कुछ भी रिलेशन नहीं रहा है, ठीक है? अब अगर आपको वापस से लोड करना है किसी दूसरे डेटा को तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट मेल मर्ज पे वापस क्लिक करिए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप पे जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल पहले शो कर रहा है जो हमने पहले यूज करी थी। तो अगर आपको कोई दूसरी फाइल सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट डिफरेंट कर सकते हैं, और अगर आपको उसी में ही कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप एडिट रिसिपिएंट कर सकते हैं, ठीक है? सिलेक्ट करेंगे तो दूसरी सिलेक्ट हो जाएगी। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब मैं एक दूसरा फॉर्मेट आपको बना के बता देता हूँ जिसमें आप अपना जो टेस्ट पेपर है वो सेट कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है? वापस से मैं अभी एक एक्सेल बना रहा हूँ। यहाँ एक काम करते हैं, इसी एक्सेल पे कैसे यूज कर सकते हैं, शीट 2 पे मैं गया, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन, ठीक है? सीरियल नंबर, क्वेश्चन, ठीक है? मार्क्स, ठीक है? इतना हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है, क्वेश्चन, सीरियल नंबर, क्वेश्चन और मार्क्स, ठीक है?
ये बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं इस तरह के, हम एक नॉर्मल सेट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चन है इसे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कर दिया है, सीरियल नंबर को 1, 2, 3, 4 करके मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया है। क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है दिस इज माय क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क में लिख दिया है 5 मार्क, ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसे मैंने इस तरह से फिल कर दिया है कि इसको 5-5 करना पड़ेगा, तो इसे मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सेट हो गया है। अब मुझे एक नया फॉर्मेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक नई वर्ड फाइल को बनाऊंगा और इसे मैं नाम दे देता हूँ माय क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेलिंग में जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज करना है, स्टेप बाय स्टेप पे आना है, ठीक है, और नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर ब्राउज करना है, जो पुरानी हमारी फाइल है उसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, शीट वो आपसे पूछेगा, शीट 2 इस टाइम आपको सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना। ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं आप, ठीक है, ओके कर दिया आपने, तो आपके पास ये जो शीट है ये आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट पे जाना है, टेबल लेना है, टेबल में आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया और मार्क्स हो गए, ये 3 चीज आपको रख देनी है, ठीक है। इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, ये आपने एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक और बिलो कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब आपको मेलिंग में जाना है, इनसाइट फील्ड में जाना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, फिर इनसाइट फील्ड में जाना है, फिर सीरियल नंबर लेना है, फिर डॉट लगाना है, या डॉट नहीं भी लगाया तो चलेगा। फिर आपको यहाँ पे आना है नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट कॉलम में आना है, यहाँ पे लिखना है मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। और इसको आप कर दीजिए मर्ज, लेआउट में जाके इसे आप कर दीजिए मर्ज, मेलिंग में वापस आइए, यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए रूल्स में से जाके नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे आप इसे पेस्ट करते जाइए, ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब इसका अगर फॉन्ट साइज चेंज करना है तो इसे सिलेक्ट करके होम पे जाके आप फॉन्ट साइज चेंज कर दीजिए, ठीक है, और फॉन्ट टाइप चेंज कर दीजिए। ये आपका जो है रेडी हो गया है डॉक्यूमेंट। अब मेलिंग में जाइए और प्रीव्यू कर लीजिए, तो देखिए इस तरह से आपके पूरे आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसका प्रीव्यू क्लोज करते हैं, फिनिश पे जाते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं और ओके करते हैं, तो ये देखिए आपका पूरा जो है पेपर रेडी हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो उतना ही वहाँ पे रेडी हो गया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको अभी कैंसिल करके, कि अगर मेरे पास और डेटा होता एक्सेल में तो क्या होता, ठीक है, ये देखिए ये 200 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसे मैंने क्लोज करा, यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट पे आया मैं, ठीक है। अब मैंने लेआउट में जाके इसे मैंने यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया है, ठीक है। अब मैं वापस मेलिंग पे आया, यहाँ पे फिनिश करके मैंने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके ओके करा, तो ये देखिए आपका जो पूरा पेपर है ये सेट हो चुका है, ठीक है, इस तरह से ये पूरा जो है वो सेट हो गया। आपको थोड़ा सा अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप पहले जो बॉर्डर है वो टेबल की ऑन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो चेंजेस इसके अंदर करने हैं आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका जो पूरा पेपर है ये सेट हो गया है, बेसिक चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसे सेव करना मत भूलिएगा, जब आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके ऑल करके आते हैं तो ये आपका आउटपुट होता है, इसे सेव करना ना भूलिएगा। अगर आप ये सेव नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी जो डेटा है वो सेव नहीं होगा,
जो आपका फॉर्मेट सेव हुआ है, फाइनल आउटपुट आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अगर आप अपना काम अब इजीली कर पा रहे हैं वर्कशीट्स बनाने का या टेस्ट पेपर बनाने का इस मेल मर्ज के ऑप्शन से, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, आपका काम जो है वो जल्दी से हो पा रहा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे एट होम।